और अमोल यादव। मनीष चौधरी, साइन बोगा, दिनेश चौधरी और काशिफ नाचन, राकेश पाटिल, दिलीप पाटिल, इन सभी का विशेष आभार जिन्होंने एकता ट्रॉफी में रंग भर दिया है। खेल शुरू होने जा रहा है। सुफियान शेख को मोर्चे पे लगाया गया है और माइक्रोफोन पे आ रहे हैं नबील दिवकर। पहली गेंद बढ़िया शुरुआत और बहुत बढ़िया स्वागत किया है सुफियान शेख का। एमएच बलेरे काफी एक्साइटेड नजर आ रहे। इतनी छोटी गेंद, मानो अपने सामने ही गेंद को पटक दिया था सुफियान ने। उन्होंने सही कहा कि उनका फॉर्म और टीम का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। ये देखिए, अपने सामने ही पटक दिया, हाफ ट्रैकर गेंद थी और उसका लाभ उठाया समीर ने। अगली दो टीमों को मैं आवाज देना चाहूंगा, खालिंग के कैप्टन और धनेश कुकसे के कैप्टन। इस पिछली मैच की आखिरी दो गेंदों पर दो छक्का लगा मारे थे समीर ने और इस मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाया, तो एक हैट्रिक मानेंगे हम इस स्पर्धा में छक्कों की समीर के नाम। दिलीप पाटिल एकता ट्रॉफी के स्पॉन्सर, आपको वीआईपी राइज पर आना है। वेलकम दिलीप पाटिल। सुफियान अगली गेंद लेकर फिर एक बार अपने सामने पटका, फिर एक बार वही नतीजा, सुफियान शेख की धुलाई शुरुआती दो गेंदों पर। जब आपके पास चार अच्छे गेंदबाज हो तो ये डिसीजन सही मैं नहीं समझता हूं भावी सर। बिल्कुल, अब किसी को उंगली की जगह सर कटाने का शौक है तो उसको क्या किया जाए। दो गेंदों पर दो छक्के लगा इस वक्त समीर ने, स्कोर 12 रन, बहुत बढ़िया शुरुआत कानली स्पोर्ट्स के लिए। अब मिडल कॉन्फ्रेंस ली जा रही है जहां एक्सपीरियंस कंपेनर खुद है सुफियान शेख, उन्हें आकर अब बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें गेंदबाजी करना है। सुफियान शेख अब थोड़े से चिंतित, दो गेंदों पर दो छक्के लगे उन्हें। बल्लेबाज काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पिछली मैच में भी बल्लेबाजी की थी उन्होंने सुफियान शेख। फिर एक बार, लेकिन इस बार गेंद छोड़ दिया था गेंद को बल्लेबाज ने। अंपायर से कोई आर्गुमेंट नहीं, अंपायर को कोई इशारा ना करे बल्लेबाज। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, आगे रखा था गेंद को। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी सुफियान शेख की। इसको रुका हुआ 12 रनों पर, चार गेंदें हुई है इस ओवर की, दो गेंदें अभी भी बाकी है। इस बार नीचे रखा था, स्वंग कर दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। सुफियान शेख के लिए सीजन अच्छा नहीं लग रहा है। सीजन का तीसरा टूर्नामेंट खेल रही है अल्फता पड़गे और परफॉर्मेंस अब तक ठीक नहीं। इस बार अच्छी गेंद थी, सम्मान देते हुए खेला, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, 19 रन, बढ़िया शुरुआत कहेंगे हम। एक ओवर में 19 रन दे डाले सुफियान शेख ने। खराब गेंदबाजी, शॉर्ट पिच और ओवर पिच गेंदों का मिश्रण रहा था पिछला ओवर। अगली दो टीमों को मैं ऑफिशियल कॉल दे रहा हूं, धनेश 11 के कैप्टन और खालिंग स्पोर्ट्स सरस्वती के कैप्टन। लास्ट ऑफिशियल कॉल।
हेलो हेलो, ओल्डी गोल्डी शाही शेख को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। क्रिकेट का जुनून, पहली गेंद बहुत ज्यादा बाहर, अपनी दिशा में नजर नहीं आए पहली गेंद पर शाही शेख। नो बॉल का इशारा अंपायर का, क्योंकि पिच के बाहर गेंद पिच हुई थी। धनेश कुकसे के कैप्टन और खालिंग सरस्वती के कैप्टन, धनेश कुकसे के कैप्टन आ चुके हैं, सरस्वती खालिंग के कैप्टन। लगता है ये खालिंग टीम भी पेनल्टी खा के रहेंगी। इस बार शॉट हम पुल किया गेंद को, फील्डर मौजूद है कुलू सेकराफ तौसीफ, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इनका थ्रो भी बहुत बढ़िया रहता है, पिछली स्पर्धा में इनके थ्रो ने ही टीम को डुबा दिया था। हालांकि टीम को देखे तो टीम बहुत परफेक्ट नजर आ रही है। तौसीफ शेख है, सुफियान शेख है, बड़े बड़े नाम है। फुल टॉस गेंद, बढ़िया स्ट्रोक गेंद हवा में और बढ़िया कैच अल्फा शेख के हाथों में। एकता इक्कीस रन बिना किसी विकेट के। अल्फा शेख ने वॉलेंटियर्स और अंपायर्स के लिए टी शर्ट स्पॉन्स की है, नीतू इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर है वो। शाही शेख ने हालांकि फुल टॉस गेंद पे विकेट लिया, लेकिन वो जो कहते कि जहां से जागे वहीं सवेरा। मयूर आए बल्लेबाजी के लिए जबकि स्ट्राइक पर है ऋतिक। सामना करेंगे शाही शेख का, अच्छी गेंद, लंबा सो खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लेकर गेंद, शॉर्ट हेड मैन पर एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 23 पर पहुंचा। यस नबील, पहले ओवर में सुफियान ने जो आजादी दी थी शाही शेख ने उस पर थोड़ी बहुत रोक लगाई। बढ़िया बाउंसर, कान के पास से जाती हुई गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी कहेंगे हम शाही शेख की। इस ओवर में रनों पर रोक लगाना जरूरी हो गया अब अल्फता परगा के लिए, क्योंकि पहली ओवर में सुफियान शेख बहुत महंगे साबित हुए। आपका कहना है सुफियान शेख और शाहिद शेख, मेरा कहना है आई शेख, अपना अपना देख। शाहिद मोते हुए इस बार अच्छी गेंद, सम्मान देते हुए ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, रॉन्ग एंड थ्रो, दो रन पूरे। बहुत अच्छा शॉट, देखा के कवर में कोई फील्डर नहीं है, कवर पॉइंट है और एक्स्ट्रा कवर है, पीछे चले गए थे, पुश किया था, केवल दो रन बना लिए बैट्समैन ने। इन दो रनों से स्कोर 25 रनों पर पहुंचा है। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। शाही शेख मोते हुए इस बार अच्छी गेंद, शॉट हम पुल किया है जमीन के सारे गेंद डीप में, तौसीफ के पास, दो रन पूरे। अच्छी फील्डिंग की थी तौसीफ शेख ने डीप में, नहीं और फील्ड में बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, केवल उनके थ्रो पर सभी खिलाड़ियों का नजर रहती है। बहुत ही सुहानी शाम एकता ट्रॉफी के, आप सभी के नाम एकता ट्रॉफी, अंदाज है कुछ हटकर, ये साल का जो क्रिकेट भी है वो भी हटकर है और एकता ट्रॉफी का जो अंदाज है वो भी हटकर है। नबील दिवकर ने रंग भर दिया है, आंखों में इंतजार का लश्कर लिए हुए बैठा हूं, टूटा मुकद्दर लिए हुए और जिद है वहीं पे शीश महल हम बनाएंगे, दुश्मन जहां पे बैठे हैं पत्थर लिए हुए। क्या बात है बाबे सर, गमों से उलझकर मुस्कुराना फितरत है मेरी, मुझे नाकामियों पर अश्क बहाना नहीं आता। सत्ताईस रन हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे तमाम स्पॉन्सर को, पराग पाठोली जी,
तारीख रईस चैलीस के स्पॉन्सर काशिफ नाचन, हमारे तमाम ट्रॉफीज स्पॉन्सर राजेश गायकर जी, श्रीकांत गायकर जी, सभी का आभार है, सभी का शुक्रिया। इस बीच अगेन क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बढ़िया गेंद सफवान की, बीटवे डॉट गेंद। फात कास्कर हमारे अजीज दोस्त, आपको वीआईपी डाइस पर आना है, एकता ट्रॉफी में आपका स्वागत है। बिग बट फात कास्कर, सफवान शेख, अच्छी गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, रन आउट का चांस और आउट कर दिया। एक गेंद पे आप दो बार नहीं बच सकते, उनका कैच छूटा था, निकल पड़े थे अपनी क्रीज से, देखिए किस तरह से आउट हुए। राइट आर्म राउंड विकेट, कौन बनाती हुई गेंद थी, लाइन से हट के शॉट को खेला था, कैच छूटा लेकिन अच्छी फील्डिंग और आखिरकार आउट हो गए बैट्समैन। धनेश इलेवन के कैप्टन और खालिंग दोनों कैप्टन आ चुके हैं, नए बैट्समैन रोशन राय जबकि स्ट्राइक पर है मयूर, सामना करेंगे सफवान का, अपने स्टेप में चुके, डेड बॉल का इशारा अंपायर का। सफवान शेख, समय के मामले में सहयोग करना है, लो फुल टॉस गेंद, मोड़ दिया गेंद को, बहुत बढ़िया कैच, तारीफ़े काबिल कैच पकड़ा वहां पर मोइज ने। इस विकेट का मैं समझता हूं सारा शेय फील्डर को जाना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने कैच किया है। ये देखिए किस तरह से फ्लिक किया था पैरों के सामने, बहुत बढ़िया कैच, डीप स्क्वायर लेग पर आउट हो गए बैट्समैन। आइए फिर से देखते हैं, गेंद की लाइन से अपने आप को अलग किया था, माइकल क्लार्क के अंदाज में फ्लिक स्ट्रोक खेला था। सौरभ आया बल्लेबाजी के लिए मयूर के आउट होने के बाद। इस ओवर में अब तक कोई रन नहीं दिया है सफवान ने, बहुत बढ़िया वापसी की अपनी टीम के लिए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में। पहले ओवर में सुफियान शेख ने 19 रन खर्च किए थे, दूसरी ओवर में शाहिद शेख ने 8, तीसरी ओवर में सफवान शेख अब तक कोई रन नहीं दिया है। पटकी हुई गेंद, वही गलती, लेकिन कुरु सैकड़ा गेंद के नीचे, लेकिन सिर्फ देख सकते हैं आप गेंद को, गेंद थी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। अजीबो गरीब पुल शॉट, मराठी कमेंटेटर रहते तो कहते कि ऊपर टाकली, जिस तरह से शॉट को खेला है। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा चाबुक शॉट, 6 रन। इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 33 रनों पर पहुंचा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे पिछली 3 गेंदों पर, और वही गलती की उन्होंने जो सुफियान शेख ने पहली 2 गेंदों पर की थी। सफवान शेख क्रून एंड से मुड़ते हुए, काफी लंबा रन अप, लगभग विकेट से ज्यादा लंबा रन अप गेंदबाज का। इस बार थोड़ा आगे रखा था गेंद को, पढ़ने के बाद बाहर की जानिब निकली थी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज डॉट गेंद, निकल के खेलना चाहते थे बल्लेबाज। अभी भी हम देखे तो स्कोर रुका हुआ है
33 रन, पहले ओवर में 19 रन बने थे लेकिन उसके बाद पलट के वार किया है अलफता ने। आखिरी गेंद अब इस इनिंग की सफवान शेख। फिर एक बार छोटी गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। इस छक्के की मदद से इसको 39 रनों पर पहुंचा और 40 की चुनौती अलफता परगा के लिए। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं और टॉस करने जा रहे हैं शुभाद धुमाल, टीमें धनेश कुक से और खालिंग स्पोर्ट। मैं रफी पटेल से गुजारिश करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। दोन्ही संघामध्ये नाणेफेक केली जाते, रफी पटेल यांच्या सुभासते एका बाजूला सरस्वती स्पोर्ट्स खालिंग तर दुसऱ्या बाजूला धनेश ओलेनो कुक्षे, दोन्ही ग्रामीण क्रिकेटमध्ये बलाढ्य संघ आहेत। नाणेफेक धनेश ओलेवण कुक्षे संघाच्या कर्णधारांनी जिंकलेलं आहे। नाणेफेकचा जो कौल आहे आपल्या बाजूने लागलेला आहे, सायंकाळचं सत्र आहे, तर काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण करणार, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे, तर प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना समोर संघ निश्चितच अतिशय उत्कृष्ट संघ आहे, ज्या संघाने चांगलं परफॉर्मन्स आतापर्यंत या एकता ट्रॉफीमध्ये केलेलं आहे। स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईन ज्या संघाकडे, त्या संघाने निर्धारित 3 षटकामध्ये किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल? मैदानाचा विचार केला तर इथे जास्तीत जास्त रन होतात, तरी पण इतर किती पण चांगला बॉलर असला तरी त्याचा रन जास्तीत जास्त, तरी पण आम्ही प्रयत्न करू 40 आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू। आणि या प्रयत्न करताना कोणते असे गोलंदाज ज्यांच्याकडून खास अपेक्षा असेल? भूषण आहे, पंकज आणि राज। तर एक मोठा संघ आहे, तुमचाही चांगला संघ आहे, तर एक टफ एन्काउंटर प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल नक्की। आपल्या संघास हार्दिक शुभेच्छा। शेलार नाणेफेक आपण हरलेलं, जर नाणेफेक जिंकले असते तर काय निर्णय असतं? मात्र आपल्या मनावरुद्ध घडलेलं आहे, प्रथम आपल्याला फलंदाजी करायची आहे। प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 3 षटकामध्ये किती धावपळ मजल मारण्याचा प्रयत्न? हॅलो, आपली बॅटिंग लाईन निश्चितपणे स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईन आहे, एकता ट्रॉफीमध्ये अतिशय उत्कृष्ट परफॉर्मन्स आपण केलेला आहे, तर निर्धारित 3 षटकामध्ये किती धावपर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न असेल? 40-45 धावपर्यंत। तुझ्या सहित असे कोणते फलंदाज ज्यांच्याकडून खास अपेक्षा असेल? प्रशांत आहे, विद्यानाने, भूषण। आपल्या संघाचे हार्दिक शुभेच्छा। तर टॉस बॉक्स मधून न्यूज अशी आहे, नाणेफेक जिंकलेले आहे, धनेश ओलेवण कुक्षे संघाच्या संघनायकाने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे आणि सर्वोत्तम स्पोर्ट्स खालिंग संघाला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रण। मी टॉस बॉक्स मधून सरळ घेऊन जातो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, जिथे सज्ज आहेत माझे दोन्ही सहकारी समालोचक सिद्दीक बागे सर आणि नबील दिवर सर। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। थँक्यू शुभाष जुमाल, दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर और माइक्रोफोन पर आ रहे द वॉइस ऑफ थाना जिला सिद्दीक बाबे सर, जिनका रंग आपको बाली ट्रॉफी में बहुत भरपूर देखने मिलता है। पहली गेंद पुल किया उसे वैकेंट एरिया में 4 रनों के लिए, सारा गुस्सा निकाल दिया वहां पर सुफियान शेख ने। छोटी गेंद थी, बैकफुट पे चले गए थे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई बहुत ही खूबसूरती के साथ। ये देखिए किस तरह से शॉट को अंजाम दिया था, ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा था वहां पर, ये देखते हुए कि पीछे कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। गेंदबाजी कर रहे हैं मयूर सुफियान शेख की, सही टेस्टिंग है आज। शॉट गेंद पुल और पावरफुल 6 रन। अब ऐसे लग रहा है कि उनकी शॉट गेंदों पर जिस तरीके से बल्लेबाज स्ट्रोक लगा रहे थे, पूरा गुस्सा निकाला था इस गेंद पर सुफियान शेख ने।
सुफियान शेख, शाहिद खान, ये पड़गा परिसर के बहुत बड़े नाम है। बिल्कुल, लेकिन इस सीजन में पड़गा परिसर के सिर्फ शाहिद खान ही सिटी क्रिकेट में दिख रहे हैं। इस मरतबा ड्राइव, कोई मौका नहीं, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन। सूद के साथ उसूल रहे हैं सुफियान शेख, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी सुफियान शेख द्वारा, ईट का जवाब पत्थर से। ये देखिए ताकतवर स्ट्रोक, ताकत का भंडार। फिर से शॉर्ट गेंद कट किया इनफील्ड के ऊपर से, अपर कट गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। 4 गेंदों में सुफियान शेख ने 20 रन बनाए, ईट का जवाब पत्थर से दिया है यहां पर खालिंग टीम को। ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैक फुट पे गए थे, अपर कट किया था पॉइंट के ऊपर से 4 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे सुफियान शेख इस वक्त, उनके लिए तो बस इतना ही कहूंगा कि उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत खूब नबील, इस मरतबा फिर से कट स्ट्रोक और बच गए वहां पे, क्या छूटा सुफियान शेख का। नहीं, ये जिद्दी क्रिकेट हो रहा है, घटा को जिद है जहां बिजलियां गिराने में, हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने में। 21 पे पहुंचा है स्कोर, 21 पे सुफियान शेख, लेकिन उनको लाइफ मिलती हुई। फिर से अपर कट करना चाहते थे, पॉइंट के फील्डर जो बैकवर्ड पे खड़े हैं उस कैच को ले नहीं पाए। एकता ट्रॉफी के लिए साइप्लस कुरुन अंबेडकर नगर के सूरत थोरात ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए शाहिद खान और कमेंट्री पैनल के लिए और एकता ग्रुप के लिए, उनका भी बहुत साथ रहता है इस स्पर्धा को सक्सेसफुल करने के लिए। इस बीच गेम बीजी टाइट खेलना चाहते थे, एलिवेशन नहीं था, लेकिन गेम पीछे सरक रही है, अब जाके उठाया है गेम को, वो बाहर गए, गेंद को अंदर फेंका। इस बीच 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। तो एक ओवर में जैसा सुफियान शेख के साथ हुआ था उसका बदला उन्होंने ले लिया, 23 रन बने। 2 ओवर में 17 रन चाहिए अलफता को। इस वक्त जून नांदुरकी से डीजे संदीप ने भी कॉम्प्लीमेंट दिए एकता ट्रॉफी के लिए शाहिद खान, सुफियान शेख, अहमद बलेरे और कमेटी के लिए। स्कोर इस वक्त 23 रन। एक और गेंद मैदान के बाहर सैर करने, 6 रन। सुफियान शेख मानो टूट पड़े गेंदबाजों पर, आज तो सुफियान शेख घुमा घुमा कर दे रहे हैं बल्लेबाजी में। ये देखिए किस तरह से शॉट को अंजाम दिया था, फुल टॉस गेंद थी, स्लॉक स्वीप किया था गेंद को डीप मिड विकेट पर, 6 रन। ये भी जाएंगे मैदान के बाहर, 6 रन। ऐसा लग रहा है कि सुफियान शेख सिर्फ सिक्सर में डीलिंग कर रहे, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे इस वक्त सुफियान शेख। ऐसे लग रहा है कि जिस फॉर्म की उन्हें जरूरत थी वो फॉर्म लौटता हुआ। यहां थोड़े से मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस हो गए सुफियान शेख। 1 रन पूरा किया 22 का इशारा अंपायर का। मुजफ्फर शेख ने भी एकता ट्रॉफी के लिए कॉम्प्लीमेंट्स भेजी है, कमेटी मेंबर भी है।
इस बीच गेंद बैकफुट पे गए, बहुत ही करारा पंच, मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए चार रन, बॉलर बैक ड्राइव। ये देखिए अपने आप को रूम दिया था, इस मैच को जीत लिया है, कांग्रेचुलेशन। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी कौन है? एक ही नाम, ये जो सुफियान है ना, इनका काम है बस दे, और आज उन्होंने दे दिया और मैन ऑफ द मैच भी ले लिया, मैन ऑफ द मैच। आइए सबसे पहले हम काशिफ नाचन स्पॉन्सर एकता ट्रॉफी देने जा रहे हैं, अब्दुल अजीज मुल्ला के हाथों से। यस, ये देखिए अब्दुल अजीज मुल्ला देते हुए। आइए हम प्रशांत गोराटकर का केक स्ट्रीट, ये केक देने जा रहे हैं, अब परफ्यूम दिया जा रहा है अमर नचन के हाथों से। अब जफर शेख दे रहे हैं प्रशांत गोराटकर का ये केक, और योगेश धोंदे का गिफ्ट एम्पर फाहद कस्कर के हाथों से हम दे रहे हैं। सो बैक टू क्रिकेट नाउ।